हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं एंड कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालना नहीं आता है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं अगर आपको जानना है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। इस चार्ट में हम लोग समझेंगे कि आज का मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। इसी तरह से हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे कि आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को समझते हैं। आज के दिन में निफ्टी 50 देखेंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर फंसाया हुआ था, ठीक है। मार्केट लगभग साइडवेज में था, मॉर्निंग में थोड़ा सा गिरावट आया था, सेलिंग आई थी, इसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा और लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट दिखा करके चला गया। लास्ट में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो ऑल टाइम हाई पर जाकर के क्लोज हुआ है और ऑल टाइम हाई को टच किया है। अभी तक आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो डेली ये नया हाई बनाता जा रहा है और ये काफी ज्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो कल के लिए भी हमारा व्यू यही रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो रन अवे गैप अप हो सकता है, क्योंकि दो दिन से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे मार्केट तो यहाँ से आज कल का और आज का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है और कल है एक्सपायरी डे, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी निफ्टी 50 जो है वो ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ये अप साइड में जा रहा है, तो इस वाले लेवल पर जा करके अगर इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है गैप अप, या फिर इस लेवल के ऊपर में अगर सस्टेन करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई कैंडल और अच्छा बुलिश कैंडल रहता है, वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, तो ऊपर की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आज के दिन का मार्केट समझते हैं। मार्केट आज के दिन में ओपन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ है, मॉर्निंग हाफ में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलिंग आया और यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहा, थोड़ी देर साइडवेज देने के बाद थोड़ा सा फिर से ऊपर गया और यहाँ पर फिर से साइडवेज हो गया पूरे दिन के लिए, और साइडवेज देने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो आज का मार्केट कुछ इस तरह से रहा है। कल के लिए क्या हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड करने वाले हैं, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन जाता है यहाँ आसपास में तो हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं जा सकते, लेकिन ऑल टाइम हाई पर है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एकदम बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में सेलिंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मान लो अगर यहाँ कहीं आसपास में गैप डाउन ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे का साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन, आप इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। बाकी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमारा क्या क्या बन रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल मैंने मार्क किया था, ये ट्रेंड लाइन, तो हम लोगों को दिखा कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर यानी कि 19,875 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल कल के दिन में, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है तो काफी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो दिनों से आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहा है अपसाइड में ही, ठीक है। तो कल के दिन में भी बुलिश हो सकता है। बाकी बेरिश का जो हमारा व्यू है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर बेरिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 19,700 के लेवल पे अगर ट्रेड करता है या इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम लोग बेरिश वाला ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50 के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का किस तरह से अभी ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में काफी ज्यादा ट्रैप हुआ है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है एंड ये वाला हमारे लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। दो बार यहाँ पर टेस्ट किया, हमारा ये ट्रेंड लाइन बन गया था। यहाँ पर 1, 2, 3 बहुत बार यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक किया नहीं था। एग्रेसिव जो ट्रेडर रहे होंगे वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फंसे होंगे एंड दिन भर बहुत ज्यादा लॉस किए होंगे ब्रोकरेज वगैरह और बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड किए होंगे। लेकिन जो लोग
प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करते हैं, वो लोग यहाँ पर आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं किए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लेते हैं नीचे की तरफ से क्या ट्रेंड बन रहा है। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का यहाँ पर लो था और इस लो को यहाँ पर टच करते हुए हमने यहाँ पर आज के लिए बनाया हुआ है। तो ये आज का मार्केट है, कल के लिए जो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो नीचे के साइड हम लोग सोच सकते हैं, अदरवाइज अभी मार्केट ऊपर की तरफ, ऑल टाइम हाई पर भी तो नहीं है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये वाला लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्ड है और कहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर देखते हैं, तो ये वो पर्टिकुलर जोन जो है वो अगर इसको हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम लोग यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। और यहाँ पर अपर साइड में कोई भी बड़ा टारगेट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप टारगेट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं फिबोनाची का, ठीक है। तो यहाँ पर आज के दिन में देखेंगे कोई खास मूव हुआ नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर ओवरऑल कल का जो मार्केट है, कल के मार्केट से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है और सेकेंड टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, जो कि काफी बड़ा टारगेट है, ऑल टाइम हाई पर है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमारा फिबोनाची का टारगेट दे रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो कुछ और कम लेवल्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेसिस पर भी हम लोग इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी नीचे की तरफ अगर सेलिंग में आपको जाना है तो सेलिंग में आपको अच्छे से एग्रेसिव सेलिंग, जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है हाई वॉल्यूम के साथ तब तक आपको यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके बीच में रहता है, कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए। और कल एक्सपायरी है तो कल बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दो दिन से यहाँ पर ये बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूव नहीं दिया हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस डे में मार्केट जो है वही दो बार इस लेवल को हाई को टच करके मार्केट नीचे की तरफ आया और ऑलमोस्ट यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ है। आज के दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पर साइडवेज रहा, ठीक है, बहुत बड़ा मूव नहीं दिया हुआ है, 250-300 पॉइंट के अंदर में यहाँ पर मार्केट आज ट्रेड किया हुआ है। कल है एक्सपायरी डे तो काफी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम लोगों को एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है, इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोगों को बाइंग करनी है। बाकी इसके बीच में थोड़ा सा सतर्क रहना है, बच के रहना है, जो ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन करंट बेसिस पर बताएगा और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहेगा उसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे। तो आज के दिन में जो मार्केट है निफ्टी 50, निफ्टी 50 को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाने के बाद क्या किया है, नीचे की तरफ शार्प सेलिंग आया है, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर गया और यहाँ पर भी लगभग साइडवेज में ही रहा, ठीक है। तो पूरे दिन ये बायर सेलर्स को परेशान किया हुआ है, लास्ट में यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स हो गए और ये ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर और भी ज्यादा जा सकता था लेकिन मार्केट के पास समय नहीं रहा और साथ ही साथ लास्ट टाइम में ये जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, इस वजह से मार्केट जो बहुत ज्यादा यहाँ पर निफ्टी 50 मूव नहीं दिखा पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक दो कैंडल की वजह से मार्केट ने काफी अच्छा खासा बुल रन दिखाया हुआ है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए पूरे दिन काफी बोरिंग रहा है, जितने भी यहाँ पर ट्रेडर्स बैंक निफ्टी के अंदर रहेंगे मोस्टली यहाँ पर लॉस किए होंगे, मतलब ओवर ट्रेडिंग आज के दिन में बहुत ज्यादा हुआ है, ट्रैप ट्रेडिंग आज के दिन में हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में आप देखेंगे तो पर्टिकुलर ये वाला लेवल हाई बनाया हुआ था तो बहुत सारे एग्रेसिव ट्रेडर्स जैसे ही यहाँ पर ये वाला कैंडल बना होगा यहाँ पर एंट्री कर लिए होंगे, या फिर जैसे ही आगे मार्केट नीचे की तरफ गिरा फिर ऊपर की तरफ आया, जब यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर भी एंट्री किए होंगे, यहाँ भी एंट्री किए होंगे, क्योंकि ये हर बार हाई को थोड़ा सा टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑल टाइम हाई नहीं है, यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। तो आज का जो मार्केट रहा वो बहुत ज्यादा ट्रैप ट्रेडिंग रहा। अगर इधर से हम लोग ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर भी काफी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे इस कैंडल के अंदर। तो मार्केट में आज के दिन में जो ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, कई सारे लोगों का शिकायत रहता है कि इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम नहीं दिखाई जाता दिखता है, ऐसा कई लोगों का बोलना है। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने इस चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको इंडिकेटर पे जाएंगे, ठीक है, आप इंडिकेटर पर जाइए, सर्च करिए वॉल्यूम, सर्च करेंगे यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। देख सकते हैं वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो हमारे सामने यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर लग चुका है,
ठीक है। इसी तरह से आपको निफ्टी 50 के अंदर भी लगाना है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि, अच्छा यहाँ पर लगा हुआ है, आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं, इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर फिलहाल हटा देता हूँ। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम के इंडिकेटर्स को लगाना होता है। सिंपली इंडिकेटर पर आएंगे, सर्च करेंगे, वॉल्यूम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक करेंगे, वन क्लिक में ये वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है। कई सारे लोग बोलते हैं कि फ्यूचर के इंडेक्स में लगा करके वॉल्यूम देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यहीं पर सब कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो 35,54,000 के आसपास इस 45,700 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है कॉल साइड में, और इस तरफ पुट साइड में बहुत कम ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, यानी कि 19 लाख के आसपास। तो यहाँ पर समझ में आता है कि कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, मतलब मार्केट बेयरिश हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं, और पुट साइड में अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है मतलब ये सपोर्ट को बताता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा ये वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 45,800 का लेवल, जो कि यहाँ पर 37,59,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है और यहाँ पर 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। वहीं स्पॉट प्राइस के नीचे की तरफ बात करें तो 45,600 के लेवल पर 28 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल है कॉल साइड में, और इस तरफ पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा 45,600 का लेवल। 45,500 का लेवल बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल नंबर भी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल भी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 46 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल है पुट साइड में और कॉल साइड में केवल 25 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा लेवल ब्रेक होता है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट और भी ज्यादा डाउन जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो 45,500 का साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट को कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बाकी इस तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो कोई खास यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ नहीं रहा है। ये पर्टिकुलर लेवल 46,000 का जो लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये काफी ऊपर का लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करेंगे कल के लिए। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 93 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल है कॉल साइड में, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखेंगे तो 1,07,00,000 ओपन इंटरेस्ट बिल है पुट साइड में, मतलब पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। यहाँ से ये वाला लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, 19,800 का लेवल, और इसी तरह से नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो 85 लाख ओपन इंटरेस्ट 19,850 के लेवल पर बिल्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगेंस्ट में देखेंगे पुट साइड में तो 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये 19,850 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है वो इस पर्टिकुलर लेवल पर है, यानी कि 20,000 के लेवल पर। तो ये लेवल देखते हैं, मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कल एक्सपायरी डे भी है, 2 दिन से कंसोलिडेट भी किया है, तो एक बड़ा मूव अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर 19,900 या 19,950 या 20,000 के आसपास हम लोग, या इस सप्ताह में आपको 20,000 का लेवल टच होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा पुट साइड में जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट यही वाला दिख रहा है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,700 का लेवल, जो कि यहाँ पर भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है आपने इन सबको मार्क कर लिया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।